भोपाल में सात स्थान विसर्जन घाट स्थायी रूप से बने हुए हैं। वहाँ पर सातों एडीसी की व्यवस्था दी गई है, उनको जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ में कर्मचारी अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था लगाई गई है। घाटों के पास में बैरिगेट्स भी लगाए गए हैं, लाइट की व्यवस्था की गई है और मूर्ति विसर्जन के लिए करंट की व्यवस्था की गई है, गोताखोरों की व्यवस्था की गई है और निर्माल्य वाहन अलग से रख सके ये भी व्यवस्था की गई है। और जॉन और जेडो और एचओ दोनों के माध्यम से प्रत्येक जोन में एक सेंटर पॉइंट ऐसा तय किया गया है जहां पर पंडाल लगाकर और एक बड़ा, आपने देखा होगा कई जगह ऐसी बड़ी टंकियों को रखा गया है जिसमें गणपति विसर्जन किया जा सके, जो छोटे गणपति जी हैं वहां पर विसर्जन किया जा सके, इस तरह की नगर निगम ने व्यवस्था की है। और भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है, भोपाल की सेवा समितियों से मेरा आग्रह है कि जब आप गणेश विसर्जन करने जाएं, छोटे गणपति जी के माध्यम से जहां नगर निगम ने पंडाल लगाकर अस्थायी घाट बनाए हैं वहां पर छोटे गणपतियों को निर्माल्य वाहन अलग से रखें, निर्माल्य सामग्री अलग दें जो हमारे वाहन में जाएगी और गणेश जी अलग से दें। और उसको हमने सिविल के और गार्डन शाखा के जो साफ वाले वाहन हैं उनमें ले जाकर व्यवस्थित स्थान पर निर्माल्य सामग्री और गणेश जी दोनों को नगर निगम पहुँचाएगा। और इसी तरह से जब घाटों पर भी गणपति जी पहुँचेंगे तो समिति से आग्रह हो रहा है कि आप निर्माल्य सामग्री को अलग करें और गणेश जी को किरण में भेजकर उनको प्रभावित विसर्जन करने के लिए नगर निगम का सहयोग करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।